वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 42 मिसेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7। देखिए ये काफी इजी सम है, आपको यहाँ पे cos 2x के फॉर्मूले को एप्लीकेबल करना है और लगभग लगभग सारा आंसर आ चुका है। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन आपके पास है cos x प्लस साइन x, साइन x प्लस cos x आपके पास है साइन x प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आप देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से खोलिए तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, cos x माइनस साइन x, एक तो ये ऑप्शन हो जाएगा और एक बार हो जाएगा cos x प्लस साइन x और अपॉन में आपके पास क्या है साइन x प्लस cos x विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, यहां पे आपके पास स्क्वायर है तो दो ऑप्शन है, यहां पर नीचे टू है, तो cos x प्लस साइन x से जब आप इसे काटेंगे कट करेंगे तो आपके पास ये सिर्फ क्या बच जाएगा, यहां पर एक ऑप्शन बच जाएगा, या आप इसको दो बार लिख लीजिए साइन x प्लस cos x, ओके ये कैंसिल हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आप पुट करिए, आपने पुट कर लिया साइन x प्लस cos x को t पुट कर लिया तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, साइन x का आप डिफ्रेंशिएशन करिए cos x माइनस साइन x इक्वल टू डी टी और बाई डी एक्स आएगा और मैंने डी एक्स जो है इधर ले लिया है डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई cos x माइनस साइन x, ये ऑप्शन आ गया ठीक है। तो मैं डी एक्स के प्लेस में वो वैल्यू रख दूंगा और हमारे पास ऑप्शन हो गया है cos x माइनस साइन x यहां पर है अपॉन में ये मैंने t माना हुआ है और यहां पर डी एक्स के प्लेस में डी टी बाई cos x माइनस साइन x मैंने पुट कर लिया है, इसे कैंसिल है और हमारे पास ऑप्शन आ गया 1 बाई टी और 1 बाई टी का आप इंटीग्रेट करेंगे काफी इजीली इंटीग्रेट इसका हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका log t प्लस c और मींस log t क्या आपके पास t आप वैल्यू पुट कर लीजिए साइन x प्लस cos x प्लस c, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। मिसेलेनियस एक्सरसाइज में 40 41 और ये सारे 40 के बाद काफी इजी सम्स है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।